नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। आशा उषा पर्यवेक्षकों को न्यायपूर्ण वेतन दिए जाने की मांग को लेकर आज आशा उषा कार्यकर्ताओं ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एकत्रित होकर नारेबाजी की एवं डॉक्टर ठाकुर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें कार्यकर्ताओं ने बताया कि कार्यकर्ता केवल 2000 रुपए के बेहद अल्प वेतन में काम कर रही हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका, नियमित कामकाज, अनिवार्य सेवा होने के चलते अन्य राज्य की सरकारें वर्षों से आशा उषा एवं पर्यवेक्षकों को अपनी ओर से अतिरिक्त वेतन दे रही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार पिछले 16 वर्षों से आशाओं को कुछ भी नहीं दिया। प्रदेश सरकार ने जिन 7 कामों की राशि को दुगना करने का आदेश जारी किया है, इसका भुगतान नहीं हो रहा है और अधिकांश आशाओं को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। लगातार बढ़ती महंगाई के बावजूद प्रदेश की आशा और पर्यवेक्षकों को मानदेय दिए जाने की मांग के प्रति सरकार का न्यायपूर्ण रवैया अभी भी जारी है। इसी परिस्थिति में आशा उषा एवं आशा सहयोगिनी संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश द्वारा न्यायपूर्ण वेतन वृद्धि की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। आज ब्लॉक स्तर पर यहां पर अपना ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हमारी मांग ये है कि 2021 में NRHM द्वारा हमें आश्वासन दिया गया था कि आप लोगों को 10,000 और पर्यवेक्षक के 15,000 रुपए कर दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई है, इसलिए हम आज से ज्ञापन दे रहे हैं और अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम रुबीना खान, मैं आशा कार्यकर्ता। मेरा नाम मंजू मालवी है। हम सब आशा सहयोगी, हम आशा और के साथ में हैं। हमें जो वेतन मिलना चाहिए वह वेतन नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हम अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। हमको कम से कम 15,000 मिलना चाहिए और हमारी आशा बहन को 10,000। 2,000 में कुछ नहीं होता है, काम इतना है कि रात और दिन करती रहे पर फिर भी लोग कहते हैं जो आता है कि कुछ नहीं करती। आप करके देखो तो सही, थोड़ा सा आपको पता चलेगा, इसलिए हमने अनिश्चित हड़ताल कर रहे हैं। यदि खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। किसी भी प्रकार की खबर, भ्रष्टाचार घटना की जानकारी देनी हो तो नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क करें।